अरे मैं कौन हाँ तुम तो नहीं सुनो मैं सुन लो मैं सुन लो ना सिवना हाँ बाल क्या करने लोड़ी सो बात बनो बाल मैं भी हूँ बात खाऊंगा दोस्त की बुल्ले की बुआरी भाई हमारे लिए चाय ला रही हमारी बहू रानी बहुत बहुत धन्यवाद नाराज नहीं होने सुनो सुनो गाय तो नहीं छिको भाई गरम है चाय लो तो नहीं हेलो नमस्ते प्रणाम कैसे हो आप सभी लोग और मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम पे और देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा है। धूप भी बहुत अच्छी खिली है और अभी तो यहाँ पर मैं और मेरी भाभी जी जा रहे हैं, हम खेत को जा रहे हैं, भाभी जी आने ही वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं हर बार दिखाती हूँ कि भाभी जी ने कितने सुंदर फूल खिला रखे हैं, सब जगह है, उस साइड भी है, इस साइड भी है, और बाग बगीचा तो देख रहे होंगे कितने मेहनती है मेरी भाभी। और ये है, ये हमारी गौशाला है, इसमें यहाँ पर किचन है और उस साइड घर है हमारा। ये तो भाई भी ने यहीं पे गाय गोई भी पाल रखी है और यहीं पे ना नल भी लगा है। देखो जो आजकल घर घर नल है ना, जो हर घर नल है, तो एक यहाँ पर भी लग रखा है और यहीं पे गौशाला है, यहीं पे गायों के लिए पानी है, कितनी सुविधा हो गई है अब तो। और ये लीची का पेड़ है यहाँ पे और ये मेरे पिताजी ने लगाया था। बहुत सारे फल तो यहाँ पर पिताजी ने भी लगा रखे हैं और देखो तुम तो चलो फिर अब निकल पड़ते हैं मैं और भाभी जी। यह है जूनियर स्कूल यहाँ पे और स्कूल लगी है आज बच्चों की। वो मुझे हाथ हिला रही चुपके से कि बुआ हाय, क्योंकि आगे से सर होंगे तो यखमुना वामी तो याद भी है यार रामा। जब हम छोटे छोटे छा ना तो हम इतना नहीं रंझा था, हम बैठे आ कोई अन्न जान छो ना, हम बोलते भगवान गुड़जना मार, क्योंकि ना हमारा टाइम पर ना इतना मार खान छा ना, आया टाइम पर कोई मार नहीं खाना, आज टाइम पर मार नहीं खाना, हमारे टाइम पर बहुत मार खान छा, हम अभी बहुत मार खाएंगी। और हम जब कोई फोन या थोजन छो नीचे रास्ता है तो कोई हम भाई थोजन छो ना, अगर खड़ो उठेली गुड़ दिन हम उतनी डंड सर मल हे मेरे सरमो रे हम कसम से यार ना, कसम से ना बचपन की याद बहुत आती यार मायके में आके ना, मतलब जैसे यहाँ पे स्कूल है तो उसकी जब भी मैं स्कूल को देखती ना मुझे स्कूल की याद बहुत आती है, सारी फ्रेंडों की भी याद आ जाती रही फिर से। तो यहाँ पे देखो मेरी भाभी चुपके से अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे बात कर रही है ना ना, ये तय ध्यान तुम पर छोड़ना चाहिए, चलो भाई वीडियो पर लगी तय ध्यान जो तुम अच्छी ही नहीं सुन रही। देख कितनी छोटी हमारी बहू रानी है ये और इसकी छोटी सी बेटी भी है ये। हमारी स्कूल जूनियर स्कूल ना, मैं सच्ची बता रही ना, सच में बोल रही मैं कि स्कूल को देख के ऐसा लग रहा है कि हम सच में रहे होंगे क्या इतने छोटे, बिल्कुल नहीं लग रहा यार कि हम भी रहे होंगे, ऐसे रहे होंगे हम भी बूढ़े हो गए रामो, ये बचपन कहाँ गया। कब कभी मन कर देना कि बस मन लौटे छो ना, फुल तरीका से अपने तरीका से जीने चाहो। वहाँ हमारे समय में ना बहुत डर थे, गुड़जियों के डर बहुत ज़्यादा थे। आज आ बच्चा ना कोई नहीं डाना गुड़जो, खुद हमारे बच्चा या हमारे जो छोटे छोटे थे ना गुड़जू तो हेलो हाई था दूर बटिंग चिल्लाना। और हम के ना कि अगर गुड़जी जे रास्ता जाना ना हम वे रास्ता जान देनी चाहते, लूक लूक ही दूसरा रास्ता जान जा। तो फिर से आ गई हम भंडार आम में। हाँ यार ना चंगेर तो होना बड़े पता हम बुआर पर चंगेर बड़े नहीं मौस पढ़ना ठीक से लगा रही हूँ। ये है मेरी मौसी है देखो तुम। ये हमारी छोटी भतीजी है। हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे बेटा, हाय कर दे, हाय बाबा पकड़ दे ना ना। ये अच्छा तो पहुंच चुके हैं हम अभी प्रणाम के खेत में और देखा होगा आपने, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ आमों का भंडार है और हमारे सिवा मेरा मायका का नाम है सिवाई और सिवाई गांव में ना आम बहुत ज़्यादा होते हैं, आम और केला बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहीं भी जाओगे ना तो आम का पेड़ था, अब तो मतलब जैसे यहाँ पर भी था आम का पेड़, मैंने भी नहीं देखा पर यहाँ पर मेरे पिताजी बोलते थे कि यहाँ पर एक आम का पेड़ था तो इसीलिए यहाँ का नाम प्रणाम बोलते हैं। मतलब जो पेड़ था उसका नाम था प्रणाम, उस पेड़ के नाम से इस जगह का नाम भी प्रणाम पड़ा। और यह है हमारा खेत, अब भाभी जी पहुंच चुकी है प्रणाम के खेत में। तो आज मैं प्रणाम के खेत में हूँ। जैसे यहाँ हमारा यहाँ क्या होता है नगराम प्रणाम कावाम, मतलब उन वहाँ उन जगह खेतों के नाम भी है, कावाम दाड़्याम साड़्याम बाड़्याम, तो ये आम के पेड़ों के नाम भी है और उन जगहों के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे हम बोलते कहाँ गई थी आज, कौन से खेत में गई थी, तो आज साड़ियाम वाले खेत में गई थी, प्रणाम वाले खेत में गई थी, तो ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ नाम। ठीक है चक्कर दागी होने वाली छाटा
भारी क्यों नहीं कोयली बस खाली घास हुई जो नहीं जामया। तो यहाँ पे मेरी भाभी जी कुछ बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, बड़बड़ मतलब अपनी व्यथा सुना रही मेरे को है कि क्या क्या हुआ भाभी। गेहूँ कहाँ जम रखे हैं, बारिश ही नहीं आई टाइम पर, बारिश तब आई जब उसका टाइम से बेटाइम हो गया है, इसलिए एक इधर एक उधर पूरे खेत में एक दो भारी होगी गेहूँ बस क्या बोले। तो भाभी कह रही है यहाँ पे कि बहुत कम हो रही है, जितनी मेहनत कर रखी है उतना फल नहीं लग रहा कि नहीं उतना फल होगा ना, नहीं हो रखा है। हाँ ऐसा होना चाहिए ना खेत में, वो ऐसा नहीं हो रखा जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रखा है। मतलब ये पूरा साइड जो यहाँ से और यहाँ तक भंडार आम में जाना जाता है कि कहाँ जा रखे है, भंडार आम के साइड जा रखे है, और जो उस साइड है ना उस जो जो आपको दिख रही होगी ना ग्रीन ग्रीन मकान उससे उधर जाएंगे तो धाराम आम में गिना जाता है उस जगह। चलो फिर मैं भी करती हूँ ट्राई, क्योंकि ना मेरे से तो निकाला जा रहा पर ये बांधने में दिक्कत हो रही है। तो ये है राडू जो ये निकाल रही हूँ मैं, ये है राडू, तो इसको ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे करके मैं भी थोड़ा भाभी जी के साथ सहायता करती हूँ, फटाफट निकालेंगे और फिर दोनों के दोनों घर चले जाएंगे टाइम पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही बाद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कूड़ा की कंडी निकाल दी, कूड़ा मतलब घास होता है ये, तो एक घास की कंडी निकाल दी है, और ये देख सकते हैं हाथ हाथों से पता चल रहा होगा ना कितना निकाला है, बराबर निकाला दोनों ने, भाभी ने कुछ थोड़ा ज़्यादा निकाला होगा, मैंने थोड़ा कम निकाला होगा भाभी क्योंकि फटाफट निकाल रही थी। तो यहाँ पे दोनों ने पहले हमने राडू निकाला उसके बाद घास निकाला, और इसके बाद अब चलते हैं घर की ओर, और धूप भी बहुत तेज़ होने लगी और पानी लाना भूल गए ना, पानी प्यास भी लग गई। तो ये हमारी चाची जी और ये हमारे गाँव के अध्यक्ष साहब जी भी हैं यहाँ पे, तो चलो चाची चलते हैं घर अब, बाय बाय। YouTube में हाँ, तो जो नए नए रहते ना होता ही है, पहले पहले हबड़ार जैसा होता है, वैसा तो हमारी चाची एक्सपर्ट है बोलने के लिए, पर कैमरे के सामने थोड़ा हबड़ार रही है, तो वैसे हाँ थोड़ा एक्सपर्ट है चाची, वैसे मतलब हर चीज़ में हर फंड में। तो अध्यक्ष साहब जी है हमारे, चलो अध्यक्ष साहब जी चलते हैं फिर, हैं बाय बाय। हम जा रहे हैं भाभी के यहाँ पे, ये देख सकते हैं मेरे पीछे से भाभी जी है, और भाभी जी क्या क्या है पकवान, क्या है घर वाला आके अब क्या बना बताइए, तब हम जान छो यहाँ पकौड़ी बनाऊंगा। तो ये है मेरी फ्रेंड का घर नीलम आरती, देखो भाई सुनी आज तुम्हारे यहाँ रखे हम। नमस्ते बाबू, ये देखो यार खुट पर सारे दिन आई तो बहुत ऊँच हमारे बुढ़िया रिश्ता हुए गया हम मतलब हम बुढ़े हुए गया, ये नई नई बहू है हमारी, भतीजे की बहू है ये, भतीजे भी नहीं भतीजे की नहीं, हाँ ये लकीनी की जान के, हाँ भतीजे की बहू। तो यहाँ पर हमारी बहू रानी पानी लाई और पानी का आनंद लेते हैं, हमारी भाभी जी जो कि आपने देखा भी होगा वीडियो में, हम मिल गए थे पर अरे बढ़िया बना क्या बनाएगा क्या बना, बहुत अच्छी क्या हो, बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली। तो भाभी जी डेली हमारी वीडियो देखते रहते हैं तो कह रहे कि बहुत अच्छी वीडियो बना रही है, क्या करना अभी नहीं ये बोलना है लाइव करना सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना मेरी दोस्त की बुल्ले की बुआरी भाई हमारे लिए चाय ला रही, हमारी बहू रानी बहुत बहुत धन्यवाद। नाराज नहीं होने सुनो सुनो गाय तो नहीं छुको भाई गर्म है, तो यहाँ पर मेरी दोनों भाभी यहाँ बैठ रखी है और हम खूब मस्त से गप लगा रहे चाय का भी आनंद लेते हैं। अब यहाँ पे अब भाभी जी ने बहुत सुंदर मकान बना रखे हैं, अरे वो है मेरी फ्रेंड वहाँ पे, मेरी फ्रेंड वहाँ पे, भाभी जी का नाती है यहाँ पे ये, अरे एक छोटी सी पोयम पोयम बोल रहा, क्या बोल रहा, बोल तो बोल बोल मैं सुनाई ये लगा तक कुछ ये माँ बोल जे बोल जे बोल जनवरी फरवरी चल बोल फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वेरी गुड नवंबर दिसंबर, अरे वाह क्लैप करो भाई इसके लिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे यहाँ पर हमारी ताई जी भी है, ताई जी भी आ गए हैं, ताई खूब है बोला आप लोग ठीक से, तुम तो ठीक जो तुम ना चला से ना हम तो हाँ तो सही बात है, हम तो बुढ़ा लोग घर घूम जाते ना ना फर्स्ट क्लास में आ तुम भी बात जगना चल रहा हूँ जगना चल सिर्फ कुछ कुछ इन बस ये वाला मेरे मामा ताई चल
नीलूई सब जाकना सुन्नी सब आते पता सा। अरे आई वाला ए नीलू कतनी बोल 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 ए में नीलू कतनी ए नीलू कतनी बोल ए नीलू हां बोल। अरे मैं कान गबन हां तुम तो किसको बोल रहे हो मैं सुन लो ना सी बना। हां बोल हां क्या कहने लोड़ी सो बात बनो बोल मैं भी हूं बात खावा। अरे भाई ना हां मैं ना दे बुलाणो हां अब कुछ नहीं सुनो मैं बच्चा हो नहीं कौन लोग बात कर आओ यहां बोल दिन भर ये रानी है रिवर का पानी है हाथ लगाओ तो जाके बाहर निकालो मत जाए। वेरी गुड अब वो वाला 1 हां 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हां वेरी गुड यार इसको तो देखो तुमने बाबा खतरनाक कितना सालों जी हो सर। अरे वाह यार तेरे लिए तो वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छी है आपकी मैडम ने बहुत अच्छे पढ़ा रखा। ठीक है ठीक है तू क्या देखो कौन था तब तब वीडियो मत देख तू वीडियो मत देख बा यो हां ना तो यहाँ पर मुझे कह रहे थे वीडियो दिखाओ तो यहाँ पर वीडियो देखते हैं तीनों के तीनों में। यहाँ पर अब विदा लेते हैं ताई जी से भी। ठीक है ताई हैं तो भाभी जी से भी लेते हैं अभी तो। ठीक है भाभी हैं ठीक है बाय 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 भाभी जी के घर भी गए थे वहीं पे बगाली में था तो भाभी जी कहने कहा कि चाय पीने आ जाओ तो हम भाभी जी के यहाँ भी चाय पीने गए थे और वहाँ पे बैठे गपशप लगाए तो मैं घर पर पहुँची। जैसे ही घर पर पहुँचे यहाँ पे देखो बंदरों का आतंक तो भाभी ने यहाँ पर खाना वाना बना दिया है और अब मुँह हाथ धो के हम भी खाना वाना खाते हैं। तो फिर से आ गए हम गौशाले में और यहाँ पर ये हो गया इनका पानी पीने का टाइम गाय भैंसों का पानी पीने का टाइम। की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट में। भाभी जी और चीज बोलने पर नेक्स्ट ब्लॉग खूब बोलते हैं। चलो फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।